हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी कि इकोसिस्टम क्या होता है, और भी काफ़ी चीज़ें हमने देखी। तो आज भी हम थोड़े बेसिक चीज़ें करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यूज होंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पहले समझ में आ जाए। ठीक है, जो प्रीवियस था टॉपिक उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और जो आज हम पढ़ेंगे उसे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम, जैसा कि एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करूँ, तो रीजनल क्लाइमेट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको इस इमेज से समझाऊं, तो ये देखिए एक इमेज है। ठीक है, अब इस इमेज को देख के क्या लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट प्लेस होगा, रेगिस्तान जैसा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रीनरी है तो अलग टाइप का होगा, यहाँ पे कैसा एरिया है। तो वो क्या कर रहा है कि उस पर्टिकुलर रीजन में किस तरह का, कैसी सॉइल हो रही है, कैसा वेदर कंडीशन हो रही है। तो जैसी वेदर कंडीशन होती है, हमने देखा भी था कल कि जिस तरह से वेदर कंडीशन होती है, जैसा अगर ठंडा है तो वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पे जीव जंतु किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पर बायोम जो है वो उससे भी इनिशियल चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि वो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के बेसिस पे जीव जंतु होंगे। सो बायोम इज़ दी रीजनल क्लाइमेट, बायोम इज़ दी एरिया क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज दैट लिविंग इन दैट लोकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर रेंजेस, सॉइल टाइप एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंड वाटर यूनिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम द नीच फॉर द स्पेसिफिक स्पीसीज अलाउइंग द साइंटिस्ट टू डिफाइन दी बायोम। कह रहा है कि बायोम वो है जहाँ पर पर्टिकुलर जो है टाइप की सॉइल होती है, पर्टिकुलर वेदर कंडीशन होती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में जो है सनलाइट होती है, इस वजह से वहाँ पर जो है उस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि कहीं पर अगर रेगिस्तान है तो उसकी मिट्टी आप देखेंगे अलग टाइप की होती है। ठीक है, कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब उपजाऊ मिट्टी है तो उसकी अलग तरह की मिट्टी होती है। तो कह रहा है कि जो सॉइल है वो अलग तरीके का हो, सनलाइट अलग अमाउंट में, कहीं पे ज़्यादा सनलाइट आप देखते होंगे मिलती है, कहीं पे कम होती है, तो सनलाइट के अमाउंट पे, और जो भी मतलब चीज़ें हैं, ये जो क्लाइमेट है इन सभी को बायोम कहते हैं, क्लाइमेट को बायोम कहते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि कल बताया था कि अगर ड्राई है मतलब डेजर्ट एरिया है तो किस तरह के वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, तो वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टुंड्रा है, क्या होता है कि जहाँ पर जो है धूप की जो सनलाइट है वो बहुत कम मिल रही हो, ठंडा वेदर होता है, तो वो टुंड्रा होता है, और वहाँ पे किस तरह के जो है पेड़ पौधे होते हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं बायोम पे। सो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अर्थ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अर्थ है वो एक स्फेयर के फॉर्म में होती है ना। स्फेयर मतलब कि स्फेयर आप ऐसे पढ़ते भी होंगे मैथ्स में, बेसिक में ये चीज़ होती है, स्फेयर मतलब बॉल होता है। ठीक है, तो स्फेयर गोला, स्फेयर मीन्स गोला। तो अर्थ स्फेयर एवरीथिंग इन अर्थ सिस्टम कैन बी प्लेस इनटू ऑन द फोर मेजर सब सिस्टम। जो भी अर्थ में जो भी चीज़ें हैं उसको हम चार चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स और एयर। ठीक है, लैंड, वाटर, लिविंग थिंग्स और एयर, ये चार चीज़ें होती हैं। तो इन चार चीज़ों को सब सिस्टम है, इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया। ठीक है, तो जो लैंड है, एल से होता है लैंड, तो लैंड से लीथो। ठीक है, लैंड से लीथो हो जाएगा, लीथो, और क्योंकि गोला है इसलिए स्फेयर, तो लीथो स्फेयर हो गया। ठीक है, ये जो लैंड है यहाँ पर देखिए। फिर आता हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि हाइड्रो या एक्वा कहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, पानी। ठीक है, तो जहाँ पे भी वाटर होगा हमको याद है कि वाटर हाइड्रो से रिलेटेड होगा, तो जब भी हाइड्रोस्फेयर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि पानी की बात हो रही है। तो हाइड्रोस्फेयर रिलेटेड टू वाटर। बायोस्फेयर, बायो आप मतलब बायोलॉजी वर्ड से तो हर कोई फैमिलियर होगा, और बायो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जीव जंतु विज्ञान, यही सब तो होता है, जियोलॉजी, बॉटनी, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो बायो में क्या आएगा, वो लिविंग चीज आएगी, जहाँ पर जीव लोग रहते हैं, जीव जंतु जो जिंदा लोग हैं। ठीक है, वो लोग। तो बायोस्फेयर में आएगा लिविंग थिंग्स, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, मनुष्य हो गया,
और जीव हो गए, तो ये सारी चीजें आपकी बायोस्फेयर में आएंगी, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में आता है एयर, एटम, एटम वर्ड होता है ना, एटम। अगर थोड़ा बहुत भी आप इस वर्ड से फैमिलियर हो तो एटम, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यहाँ पर एटम वगैरह की बात होती है, तो एटम जहाँ पे गैस हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब समझ लीजिए कुछ ऐसे ना, जहाँ पे हीलियम, लिथियम, मीथेन, एथेन, ये सारी चीज़ों की अगर बात हो रही है, तो वो क्या हो गया, गैसेस से रिलेटेड हो गया। और गैस की चीज़ किस में आएगी, जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो ये चारों वर्ड याद रख लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो लिथोस्फेयर, एल से याद रखना है, एल एल, ठीक है। लिथो मीन्स लैंड, वाटर, हाइड्रो, एक्वा हमारा वाटर ही होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर होगा तो वाटर से रिलेटेड होगा। और बायो, जहाँ पे जीवित चीजों की बात होगी वो बायोस्फेयर, और एटमोस्फेयर एटम से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसको और अच्छे से समझते हैं कि जो एटम वर्ड है उसका मतलब होता है स्मोक, जिसका या तो मतलब होता है स्मोक या फिर मतलब होता है वेपर, तो स्मोक या वेपर। और हमको पता है स्फेयर मीन्स क्या होता है, गोला, ठीक है, स्फेयर मीन्स गोला, हमने पढ़ा ही है, स्फेयर पहले पढ़ा होगा ना, स्फेयर का एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, तो वही चीज़ है। तो स्फेयर का यहाँ पर बोला गया कि ये बॉल है, और जो स्मोक है, जो वेपर है, वो हमारा एटम से बना है, तो वेपर की बॉल है, जो एटमॉस्फेयर है वो वेपर बॉल है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था एल एल लिथोस्फेयर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। लिथो से याद रखना है लैंड, और लैंड होगा लिथोस्फेयर, ठीक है, एल एल। अब यहाँ पर देखिए जो बात होती है, जो अर्थ है वो क्या है, मतलब अर्थ के अंदर क्या चीज़ें हैं, तो ये कहते हैं जो अर्थ का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं कोर, ठीक है, अर्थ के सेंटर पॉइंट को कोर कहते हैं, और ये होता है क्रस्ट। सो जो भी कोर, और कोर से लेकर के क्रस्ट, और उसके ऊपर जो भी पहाड़ वगैरह है, वो सभी आपका लिथोस्फेयर का ही पार्ट होता है। तो लिथोस्फेयर कंटेन द कोल्ड हार्ड सॉलिड लैंड ऑफ द प्लैनेट्स क्रस्ट, द सेमी सॉलिड लैंड अंडर नीथ ऑफ द क्रस्ट, ये क्रस्ट है उसके अंदर, अंडर नीथ ऑफ द क्रस्ट, एंड द लिक्विड लैंड नियर टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। तो ये सारी ही चीज़ें जो कि जैसे कि आप देख रहे हैं ना, कि यहाँ पर जो, जहाँ ये जो जमीन है, जो जो भी पहाड़ है, उसके बाद उस अंदर जो भी आप देखते हैं कि बहुत सारे खादानें होती हैं, कुछ निकलता है, तो जो भी चीज़ अर्थ से निकल रहा है वो सब कुछ लिथोस्फेयर का ही पार्ट है, सॉयल वगैरह वो सब कुछ लिथोस्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द लिथोस्फेयर इज वेरी अनइवन, देयर आर द हाई माउंटेन रेंजेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको लिथोस्फेयर में मिलेंगी। तो लिथोस्फेयर बहुत ही मतलब अनइवन है, और इसके अंदर की ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ लिथोस्फेयर के अंदर का हिस्सा होता है। तो बस आपको ये जानना है कि कोर से लेके क्रस्ट तक का सारा हिस्सा जो है लिथोस्फेयर है, कोई भी पहाड़ वगैरह है वो भी लिथोस्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है। अब आती है हाइड्रोस्फेयर की बात, तो हाइड्रोस्फेयर में क्या चीज़ें आएंगी, जो कि पानी से रिलेटेड होगा, जितने भी नदी, झरने, तालाब और सागर, और जो भी हमारे यहाँ बादल बनते हैं, जो वेपर होता है, वो सब कुछ आपके हाइड्रोस्फेयर का पार्ट होता है। द हाइड्रोस्फेयर कंटेन द सॉलिड लिक्विड गैसेस वाटर ऑफ द प्लैनेट, द रेंज फ्रॉम द 10 to 20 किलोमीटर इन थिकनेस, द हाइड्रोस्फेयर एक्सटेंडेड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस डाउनवर्ड सेवरल किलोमीटर इन टू द लिथोस्फेयर एंड अपवर्ड ऑफ द 12 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि ये सारी ही चीज़ें, जैसे आप इस इमेज से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कोई बर्फ बन गई, पानी है, लिक्विड है, बादल है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वाटर का कोई भी रूप हो, गैसियस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, वो सभी आपके हाइड्रोस्फेयर का पार्ट होगा। नेक्स्ट आता है बायोस्फेयर, बायोस्फेयर में वो चीज़ें होती हैं जो लिविंग चीज़ें हैं। तो बायोस्फेयर इज मेड अप ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, द बायोस्फेयर कंटेन फ्रॉम द डीपेस्ट रूट ऑफ द सिस्टम ऑफ द ट्रीज टू द डार्क एनवायरमेंट, ओशन, ट्रेंच एंड लश रेन फॉरेस्ट एंड हाई माउंटेन टॉप्स, ये सब जो भी चीज़ें हैं आपके बायोस्फेयर का हिस्सा है, ये सभी आपका बायोस्फेयर, इन सब से मिल करके जो बनता है वो बायोस्फेयर है, जहाँ पर पेड़ पौधे, जहाँ पर जीवन है वो बायोस्फेयर है,
ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। बायोम इन अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ, जो बायोम है वो क्या है? प्लांट इन जियोग्राफिकल एरिया, एनिमल इन जियोग्राफिकल एरिया, प्लांट एंड एनिमल इन जियोग्राफिकल एरिया, या प्लांट्स इन आर्कटिक रीजन। तो बायोम क्या होता है कि पर्टिकुलर रीजन की बात करता है जहाँ पे क्लाइमेट की बात करता है, और क्लाइमेट से सारी ही चीज़ें, एनिमल और प्लांट्स दोनों ही चीज़ें बदलती हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। ये चीज़ अभी आपको बताई थी। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द अर्थ देन इट इज कॉल्ड, अगर हम पूरे इकोसिस्टम को कंबाइन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? बायोम, बायोस्फेयर, हैबिटाट या इकोलॉज। अगर हम सभी को कंबाइन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बायोस्फेयर। अभी आपको बताया जहाँ पे हम एटमॉस्फेयर और इन सभी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। देखिए, हाइड्रो प्लस लीथो प्लस एटमॉस्फेयर, इन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? बायोस्फेयर। ये लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर एज अ प्रोड्यूसर इन दी फूड चेन। फूड चेन में किसको प्रोड्यूसर कहा जाएगा? ऑटोट्रॉपिक प्लांट को, हार्वीवोरस को, कार्निवोरस को, और डीकम्पोजर्स को। तो प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं ना, खुद ही पे ही डिपेंड होते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बल्कि दूसरे लोग उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंडीशन। तो हमने दो बातें कल पढ़ी थी, एक होता है बायोटिक, ठीक है, दूसरा होता है ए बायोटिक। ए बायोटिक में कौन सी चीज़ें आई थी? जो आपको बताया था, पंच तत्व की बात की थी, और बायोटिक में जो लिविंग चीज़ें हैं उनकी बात की थी। तो ए बायोटिक में कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी? तो वाटर होता है, सॉयल होता है, टेम्परेचर होता है, बैक्टीरिया नहीं होता है। बैक्टीरिया क्या है? जीवित चीज़ें हैं, तो वो क्या है? बायोटिक का पार्ट है। नाउ अब अच्छे से पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर को और डिटेल में, कि यहाँ पर आप देखेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, और यहाँ पर जो भी लेयर वगैरह होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर, अभी आपको बताया कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एटम प्लस स्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर, और एटम का मतलब होता है वेपर, और स्फेयर का मतलब होता है गोला, तो वेपर का गोला, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर कंटेन ऑल द एयर इन द अर्थ सिस्टम, इट एक्सटेंड फ्रॉम लेस देन 1 मीटर बिलो द प्लैनेट सरफेस टू मोर देन 10,000 किलोमीटर अबव द प्लैनेट सरफेस। कह रहा है कि जो ये एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से ले करके 10,000 किलोमीटर ऊपर तक सब कुछ एटमॉस्फेयर होता है, 1 मीटर बिलो और 10,000 किलोमीटर ऊपर तक सब कुछ एटमॉस्फेयर का हिस्सा होता है। द अपर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फेयर फ्रॉम द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो आपको ये बात तो पता ही है कि जो मतलब सन से हमें अल्ट्रावायलेट रेस हमारे तक पहुंच जाती है, बट अगर यहाँ पे बीच में क्या आ जाता है? एटमॉस्फेयर आ जाता है, जिसकी वजह से हम यूवी रेस से बच जाते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स एंड इमिट द हीट। यहाँ ये क्या करते हैं जो एटमॉस्फेयर होते हैं, वो जो सन, आपको पता है कि मतलब सन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है, बहुत हीट होती है, तो वो उसको भी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। व्हेन एयर टेम्परेचर इन द लोअर पोर्शन इन दिस स्फीयर चेंज वेदर अकर्स। कह रहा है कि जैसे टेम्परेचर जब चेंज होता है तो वेदर उस हिसाब से जो है अकर होता है, वेदर बदलता रहता है। अब अच्छे से समझते हैं कि जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन कौन सी है। तो एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज जो है कई सारी लेयर होती हैं यहाँ पर, ठीक है, और उनको टेम्परेचर या हाइट के हिसाब से थोड़ा सा डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो के बाद आता है एक्सो। एक्सो हमेशा सबसे आउटर वाली लेयर होगी। एक्सो को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ना, एक्स एग्जिट हो जाते हैं, कहीं से एग्जिस्ट हो जाना, एग्जिट होना का मतलब होता है बाहर निकल जाना, तो एग्जिट यानी कि एक्सोस्फेयर, बाहर निकल गए, तो ये लास्ट में आएगा। अब इसको और अच्छे से पिक्चर के थ्रू समझिए। देखिए, ये है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये वो स्फेयर है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, है ना, यहाँ पे हम रहते हैं, यहीं पे ही बादल होते हैं, यहीं पे ही जो
एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो यहीं पे ही उड़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो आपके ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। ट्रोपोस्फेयर में ही सबसे ज़्यादा मास होता है, मतलब जो वेट है बहुत, जो ये ट्रोपोस्फेयर है ये सबसे भारी है। देखिए कैसे, आप ये समझिए कि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही है, ये तो बात आप मानते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ये अर्थ कुछ जैसे ये अर्थ है तो कोई भी चीज़ क्या होगी अगर यहाँ पर आ रही है तो वो अपने सेंटर की तरफ या अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ आकर्षित होता है। तो जिसमें भी जितना ज़्यादा भार होगा, जितनी ज़्यादा वेट होगा, वो उतना ही ज़्यादा अर्थ के क्लोज होगा। जो जितना हल्का होता चला जाएगा वो उतना ही ऊपर होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो अब हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि जो गैसेस भारी हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, वो कहाँ पर होंगी? वो अर्थ के ज़्यादा करीब होंगी। इसका मतलब वो कहाँ होंगी? ट्रोपोस्फेयर में होंगी। ठीक है, तो ज़्यादातर गैसेस जो वेट हैं, जिनमें भारीपन है, जो भारी हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में होंगी। और लगभग आपका 80% मास जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। हम अपनी जो भी एक्टिविटी है सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही करते हैं। वेदर कंडीशंस वगैरह जो भी बनती हैं, वेदर चेंज होता है, बादल आते हैं जाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो ट्रोपोस्फेयर इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने थोड़ा सा जान लिया ब्रीफ में। फिर उसके ऊपर आता है स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर्स में ये जैसे बैलून्स हवा के जो बड़े वाले गुब्बारे वैसे दूसरे वाले बनते हैं वो यहाँ पर आते हैं। फिर आता है मीजोस्फेयर, यहाँ पर मीजोस वगैरह होती है। और फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मो का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है यहाँ पर। और उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर वो स्फेयर है जहाँ पर सैटेलाइट्स होती है, जैसे सैटेलाइट छोड़ दी जाती है और जब वो एक्सोस्फेयर में चली जाती है तो क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर बहुत कम होता है। तो अगर आपने कभी कैपलर का नियम, अगर आप साइंस साइड से होंगे तो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि कैपलर का एक लॉ था। उसमें क्या होता है कि अगर किसी स्पीड से किसी पार्टिकल को इतनी स्पीड से फेंका जाए कि अगर वो जो है इस मतलब इस एरिया में आ जाए, एक्सोस्फेयर में आ जाए, तो वो उसी पर्टिकुलर स्पीड से जो है घूमता रहता है ना, तो वो कभी उस जो ये सर्कुलर मोशन है, इस तरह का जो मोशन होता है, इस मोशन को छोड़ के ना तो कभी वो पार जा पाता है और ना ही उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लगता है कि वो नीचे आए, तो वो उतनी एनर्जी के साथ घूमता रहता है। ठीक है, तो इसलिए मिसाइल्स को जो है, या सॉरी, इसलिए सैटेलाइट्स को जो है यहाँ पर एक्सोस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। और सैटेलाइट के थ्रू हम जैसे इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, जीपीएस का यूज़ करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, तो हम उससे कनेक्टेड होते हैं, काफ़ी यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। तो सैटेलाइट आपकी एक्सोस्फेयर में होती है। सबसे ज़्यादा भारी कौन होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है। और जो भी वेदर कंडीशन सब कुछ आपके ट्रोपोस्फेयर में ही बनते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमने ब्रीफ जान लिया और देख लेते हैं कि ट्रोपोस्फेयर में और क्या बातें होती हैं। तो द ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मास 75 to 80% तक जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। द एटमोस्फेयर इज इन द ट्रोपोस्फेयर होता है, जो भी एटमोस्फेयर वगैरह है। मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ द क्लाउड्स आर फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर एंड ऑलमोस्ट ऑल वेदर अकर्स इन दिस लेयर। ऑलमोस्ट सारे लेयर जो भी वेदर कंडीशंस होती है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में ही बनती हैं। तो ये है आपका देखिए ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब जैसे ये देखा कि ट्रोपोस्फेयर है और ये क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेटो आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रोपो और स्ट्रेटो के बीच में एक पतली सी लाइन होती है। ठीक है, इस लाइन को क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज कहते हैं। जहां पर ट्रोपो और स्ट्रेटो डिवाइड हो रही है उस लाइन को ट्रोपोपॉज कहते हैं, यानी कि ट्रोपो ट्रोपोस्फेयर की जो भी एक्टिविटीज वहां पर पॉज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एरोप्लेन्स वगैरह आपके ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ाए जाते हैं। तो ये है आपका जो है ब्रीफ एक इंफॉर्मेशन कि ट्रोपोस्फेयर में सारी एक्टिविटीज होती हैं। नाउ अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन लेयर,
O3। अब ओजोन लेयर से थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ओजोन है वो आपकी, जो ओजोन है वो आपकी होती तो सेम ही है, बट कुछ अगर वो हमारे करीब ज्यादा है तो वो ओजोन हमारे लिए खराब है, और अगर वो ओजोन हमसे थोड़ी दूरी पर है तो वो ओजोन हमें, हमारे लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि हमें वो अल्ट्रा वायरस जो रेस आती है, यूवी रेस आती है सन की, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो जो जो लेयर है ओजोन की वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, ठीक है? उसको O3 कहते हैं, ओजोन को O3 कहते हैं। सो द स्ट्रेटोस्फेयर इज वेयर यू विल फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर। द ओजोन लेयर हेल्प अस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेजेस फ्रॉम सन। इट एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम इनकमिंग द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन एंड अनकॉमन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट रिलेटिवली अबंडेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर, वेदर बैलून एंड अदर एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर। कह रहा है कि जो वेदर बैलून्स होते हैं और जो दूसरे टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं, जो बड़े, जो ज़्यादातर मिलिट्री वगैरह में एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं, वो आपके स्ट्राटोस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक है? और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये देखिए जो एकदम पतली सी आप देखिए लाइट यहाँ पे हो गया है, तो ये जो लाइट कलर है ये आपका है ओजोन लेयर, ठीक है? अब ओजोन होल क्या होता है? ओजोन होल उसे कहते हैं जहाँ पर, जैसे कि हम ये मिसाइल्स वगैरह जो उड़ा रहे हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि ये जो है हट जाती है ना, जैसे ये है क्या, एक गैसेस ही तो है, कुछ गैस है जो कि एक तरह से बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर बार बार जो है कुछ एक्टिविटी करेंगे तो ये हट जाएंगी यहाँ से, तो ये जो हट जाती हैं इसी को ही ओजोन होल कहते हैं, ठीक है? यानी कि ओजोन उस जगह पे जो ओजोन है वो नहीं है। और क्योंकि ओजोन, अब यहाँ पर देखिए सन है, ठीक है, यहाँ से सन रेज आ रही है, ठीक है, इधर था अर्थ, अब अर्थ से यानी कि यहाँ पर हम लोग हैं और बीच में एक लेयर थी जिसको ओजोन कहते हैं, अब कहीं से जहाँ से ये गैस हट गई तो ये क्या होगा, सन रेज डायरेक्ट आ जाएगी। सन रेज अगर डायरेक्ट आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस रेज यानी कि यूवी रेजेस हमारे तक पहुंच जाएगी और हमें उससे स्किन कैंसर या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है और ये सारी चीजें हैं ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर क्या होता है, द टेम्परेचर अगेन डिक्रीज विद द हाइट। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कम हो रहा है, ठीक है? और रीचिंग टू द -900 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पर आता क्या है, मीजोपॉज। ये जो मीजोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज है वो किस लिए है, वो उस लेयर को, वो जो लेयर जिस हम लेयर की बात कर रहे हैं उस लेयर, वो लेयर वहां पे एंड हो रही है, इसी को पॉज लगा देंगे उसी लेयर के आगे। द मीजोस्फेयर इज डिफिकल्ट टू स्टडी, सो लेस, हम जो है मीजोस्फेयर के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है क्योंकि उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल है। द एटमोसफेयर ऑफ अदर दिस लेयर, द वेदर बैलून्स एंड अदर एयरक्राफ्ट कैन नॉट फ्लाई। यहाँ पे आ जाता है कई बार क्वेश्चन, तो यहाँ पर वेदर बैलून्स और एयरक्राफ्ट वगैरह मीजोस्फेयर में नहीं फ्लाई हो पाते हैं, एंड वेरी हाई इनफ टू रीच द मीजोस्फेयर सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबव द मीजोस्फेयर। कह रहा है सैटेलाइट के जो ऑर्बिट होते हैं वो मीजोस्फेयर के ऊपर होते हैं, ठीक है? तो ये है मीजोस्फेयर। नाउ अब बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। तो थर्मोस्फेयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर एंड एब्जॉर्ब दी सन रेडिएशन एंड मेक इट वेरी हॉट। थर्मोस्फेयर में होता क्या है कि जो सन रेजेज आती हैं वो इनको एब्जॉर्ब करने की वजह से ये लेयर जो है गर्म हो जाती है। द थर्मोस्फेयर इज ग्रेटली हेल्प टू प्रोटेक्टिंग द अर्थ एंड मेकिंग द कंप्लीट एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड मेकिंग द स्पेस कम्युनिकेट पॉसिबल। यानी कि इसकी हेल्प से, थर्मोस्फेयर की हेल्प से कम्युनिकेशन जो है पॉसिबल हो पाता है। ये है देखिए थर्मोस्फेयर आपका। अब देखिए यहाँ पर आप समझ गए, यहाँ पर वेदर कंडीशंस होती है, एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है, मीजोस्फेयर को हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं, बहुत ज़्यादा ही ठंडा होता है। और थर्मो में क्या होता है, थर्मो में जो है ये सन रेजेस जो है उसको एब्जॉर्ब करती है, इस वजह से ये हॉट हो जाती है। अब बात करेंगे एक्सोस्फेयर की। तो एक्सोस्फेयर में क्या होता है, ये जो है 500 किलोमीटर है, द रीजन इज अबव
अबाउट दी 500 किलोमीटर इज कॉल्ड दी एक्सोस्फीयर, इट कंटेन मेनली ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। बट देखिए, हाइड्रोजन आपको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए, हाइड्रोजन H1 होता है। H1 का मतलब क्या होता है कि इसके पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है, जितना हल्का, तो जितना ज़्यादा हल्का होगा वो उतना ही ज़्यादा ऊपर होगा। तो हाइड्रोजन इसीलिए जो है आपकी एक्सोस्फेयर में भरपूर पाई जाती है। बट देर आर सो फ्यू ऑफ देम दैट आर रेयरली कोलाइड। कहना है कि यहाँ पर जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत ही कम हैं, तो इसलिए ये कोलाइड नहीं होते, मतलब एक दूसरे से भिड़ते नहीं और अपने उसमें घूमते रहते हैं। तो ये था एक्सोस्फेयर। अब इन चीज़ों को जो भी हमने पढ़ा उससे बेस फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ओजोन लेयर कहाँ पर प्रेजेंट होती है? थर्मो, स्ट्रैटो, ट्रोपो या मीजो? तो हम पढ़ा कि स्ट्रैटोस्फेयर में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन रफली 80% अर्थ एटमॉस्फेयर? 80% अर्थ एटमॉस्फेयर कहाँ पर आता है? ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो? ट्रोपोस्फेयर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर बताया था आपको, ये ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर आपके जो है सबसे ज़्यादा मास होता है। नेक्स्ट क्या है, पोलर स्ट्राटिफिक क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इशूज? स्ट्रैटोस्फेरिक में जो क्लाउड्स बनते हैं वो किस वजह से बन जाते हैं? स्ट्रैटोस्फेयर जो कि ट्रोपो के बाद वाला लेयर था, ट्रोपो के बाद वाला जो स्ट्रैटोस्फेयर में जो क्लाउड्स बनते हैं, यहाँ पर भी कुछ क्लाउड्स बनते हैं, वो बेसिकली क्यों बन जाते हैं? तो देखिए, आपको ये तो पता है कि स्ट्रैटोस्फेयर में क्या चीज़ होती है? ओजोन होती है, ठीक है? ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपको, अब अगर क्वेश्चन ऐसे सामने आए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए कि स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड के बारे में बात कर रहा है और हमको पता है कि स्ट्रैटोस्फेयर में क्या होता है? ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के कारण जो है वो क्लाउड्स बनते हैं। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट प्रेजेंट इन, जो वो है, कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो 20 किलोमीटर दूर है तो वो कहाँ पर होगा? तो देखिए, आपको ये बताया है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो यहाँ पर ट्रोपोपॉज हो जाता है, ठीक है। 10 से 12 किलोमीटर तक ही ट्रोपोपॉज रहता है, मतलब ट्रोपोपॉज रहता है, फिर उसके बाद का एरिया क्या होगा? स्ट्रैटोस्फेयर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रैटोस्फेयर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आउटर, आउटर से क्या याद रखना है? एग्जिट होना, एग्जिट से एक्सोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रैटोस्फेयर इज कॉल्ड? ट्रोपो और स्ट्रैटो के बीच का क्या होगा? ट्रोपोपॉज। अच्छा, स्ट्रैटो और मीजो के बीच का क्या होगा? स्ट्रैटोपॉज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, ओजोन होल के बारे में बात कर रहा है कि ओजोन होल क्या होता है? इंक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन। कह रहा है कि ओजोन होल तब होगा अगर ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उसकी, मतलब और ज़्यादा वो चीज़ हो जाए, ठीक है, उसकी उपलब्धि और बढ़ जाए। तो होल इन द ओजोन लेयर, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द ट्रोपोस्फेयर, और कह रहा है कि डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रैटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है? जहाँ पर हम लोग रहते हैं। स्ट्रैटोस्फेयर क्या है? जो हमारे से ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, मतलब ट्रोपोस्फेयर के बाद वाली लेयर है। तो जो ओजोन होल हो रहा है वो स्ट्रैटोस्फेयर में हो रहा है, वहाँ पे जो ओजोन थी, वो जो ओजोन है मतलब स्ट्रैटोस्फेयर में, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमें यूवी रेसेस से बचाती है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। ये देखिए, स्ट्रैटोस्फेयर है और यहाँ पर ये पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ इज ड्यू टू? जो एटमॉस्फेयर है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है वो किस बेसिस पे है? द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो क्या होगा इसका आंसर? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, अभी ये समझाया आपको कि, वरना अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो क्या है कि ये जो भी गैसेस हैं वो कहीं पे भी उड़ रही हैं, ठीक है, कोई कहीं पे भी जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सेग्रीगेट है और वो अर्थ के आसपास ही जो है ये गैसेस प्रेजेंट हैं।
नाउ अब देखते हैं यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट वन लिस्ट टू है ये, और इसको मैच कराना है। तो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रैटो, आयनो और एक्सो। ट्रोपो क्या होता है? ट्रोपो वो है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो डस्ट पार्टिकल, तो डस्ट पार्टिकल आपका कहाँ पे हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर में हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रैटो कहाँ पर है? जहाँ पर ओजोन लेयर आपकी जो है स्ट्रैटोस्फेयर में पाई जाती है। सो ए का वन, बी का टू, ठीक है। लोनोस्फेयर, लोनोस्फेयर आपका मेट्रोइड से रिलेटेड होता है, जहाँ पे मीटर्स वगैरह पाए जाते हैं। एंड एक्सोस्फेयर में ऑरा होता है, ठीक है। सो आंसर इसका ए हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, ये आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये बातें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर जोन है और लिस्ट टू में है, केमिकल करेक्टर है, ठीक है। तो हमें मैच कराना है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? गैसेस वगैरह होती है। बायोस्फेयर में क्या होता है? जहाँ पे जीवन है। हाइड्रोस्फेयर में जहाँ पर पानी से रिलेटेड बात होगी, ठीक है, जैसे सॉल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो, आइस, ये आपका हाइड्रोस्फेयर हो गया। लीथोस्फेयर, लीथो में क्या होता है? जो जमीन, लैंड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपका बायो से हो जाएगा, लीथो आपका लाइट सिलिकेट्स, और एटमॉस्फेयर में गैसेस हो जाएंगे। सो ए का वन, ठीक है, बी का थ्री, सी का टू और डी का फोर, आंसर बी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है? द मोस्ट डायनेमिक लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इज। सबसे ज़्यादा डायनेमिक कौन सा है? जहाँ पे वेदर कंडीशंस बनती हैं वो आपका ट्रोपोस्फेयर है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेयरिक लेयर आइनोस्फेयर अकर। आइनोस्फेयर कहाँ पर होगा? मीजो, एक्सो, स्ट्रैटो, ट्रोपो। तो आइनोस्फेयर आपका मीजोस्फेयर में होता है, यहाँ पे आयंस वगैरह पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी और आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। और जैसा भी आपको लगे ये वीडियो, आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताना, क्योंकि कमेंट के थ्रू मैं आपको समझ सकती हूँ कि आपकी ये चीज़ें जो है क्लियरली समझ में आ रही हैं या फिर नहीं। और मैं इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाऊंगी अगर आप मुझे अपने कमेंट देते जाएंगे, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।